मेरी यूट्यूब अर्निंग क्या है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, मैं अभी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो गाइस, इसीलिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो गाइस, अभी दो दिन पहले मैंने पोस्ट किया था क्वेश्चन एंड आंसर का, तो उस पर काफ़ी लोग क्वेश्चन किए हुए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को मैंने पिक किया है, जिसका मैं आंसर देने वाली हूँ। आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज। तो गाइज़, मैं आज बता देती हूँ कि मैंने कितने लोगों का क्वेश्चन लिया है। तो फर्स्ट है माही अंसारी का। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, माही अंसारी क्वेश्चन करती हैं, आप कभी बदायूं आई हैं कि नहीं? तो माही अंसारी जी, मैं कभी बदायूं नहीं आई हूँ। वैसे तो मैं बहुत जगह गई हूँ, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हर जगह जा चुकी हूँ, लेकिन बदायूं नहीं गई हूँ। कभी मौका मिला तो मैं बदायूं भी आऊँगी, और वहाँ आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। दूसरा क्वेश्चन है नबी मोहम्मद और रहस्यमयी दुनिया करके किसी का, कि आप कितनी तक पढ़ी हो? तो गाइज़, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीए तक मैं पढ़ी हूँ हिंदी मीडियम से, और मैं उर्दू बोर्ड से भी पढ़ी हूँ, पीजी की हूँ, फाजिल तक पढ़ाई की हूँ मैं उर्दू बोर्ड से, जिसको हिंदी में एमए कहा जाता है। तो गाइज़, तीसरा क्वेश्चन है फरजाना बानो का, कि आप कितने भाई बहन हैं? तो फरजाना जी, आप तो हमेशा कमेंट करती रहती हैं, आपका कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं 5 भाई बहन हूँ, जिसमें मेरे 2 बड़े भाई हैं और हम 3 बहन हैं। तो आप लोग गेस करके बताइए कि मैं कितने नंबर पर हूँ, और टोटल हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो चौथा क्वेश्चन है अंतिम देवी और शमीर अंसारी का, कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? वैसे गाइज, मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी भी कितने लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं। तो जो लोग मेरा फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखे हैं, वो लोग देख लें। और वैसे मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम है सादिया और मैं यूपी की रहने वाली हूँ, यूपी में वाराणसी की रहने वाली हूँ। पाँचवा क्वेश्चन है समायरा परवीन। समायरा जी कहती हैं कि आप फैमिली ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हो, क्यों नहीं बना रही हैं? अपने ससुराल वालों के साथ इंट्रोडक्शन तो करवा दीजिए। तो समायरा जी, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं फैमिली ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो अब मेरी थोड़ी बहुत पहले से तबीयत ठीक है, वैसे हॉस्पिटल का आना जाना इस वजह से थोड़ा सा परेशानी दिक्कत हो रही थी, मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मैं आगे से व्लॉग बनाने की जल्दी से कोशिश करूँगी। और रही बात ससुराल वालों से इंट्रोडक्शन, तो फरजाना जी, ससुराल वालों से इंट्रोडक्शन करवाऊँगी ज़रूर, लेकिन 50K होने के बाद। तो आप लोग जल्दी से 50K करवा दीजिए, उसके बाद मैं अपने ससुराल वालों से आपका इंट्रोडक्शन भी करवाऊँगी, ज़रूर करवाऊँगी। तो छठवां क्वेश्चन है सना शेख, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? तो सना जी, मेरे हस्बैंड अभी तो घर पे ही हैं, घर का हम लोग का बिजनेस है, तो घर के बिजनेस में हाथ बटाते हैं, वो घर का ही काम करते हैं, घर का बिजनेस करते हैं, इनका घर का ईंट भट्टे का बिजनेस है, ये लोग अपने घर का बिजनेस करते हैं। सातवां क्वेश्चन है MD फैसल। तो ये हमेशा क्वेश्चन करते हैं फैसल भाई, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने क्वेश्चन किया है कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो फैसल भाई, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार चल रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं, व्लॉग नहीं बन पा रहा था। आपका हमेशा मैं पढ़ती रहती हूँ, सभी लोग, मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ और आपका भी कमेंट पढ़ती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो आगे से वीडियो बनता रहेगा। ये कि बहुत लोग कमेंट करते हैं हमेशा कि आप बिंदी क्यों लगाती हैं, जैसे मैंने अपनी शादी के वीडियो बहुत से डाले हैं, ऐसे भी मैं अपना पिक हमेशा डालती रहती हूँ शादी के टाइम का, उसके बाद का। तो बिंदी क्यों लगाती हैं आप, मुस्लिम हैं कि नहीं हैं? बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं हूँ। तो गाइस, मैं बता दूँ कि मैं मुस्लिम ही हूँ, मेरा पूरा नाम है सादिया खान। तो मैं बिंदी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि लगाते हैं लोग इधर, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ का ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मुस्लिम बिंदी नहीं लगाते हैं, तो यहाँ बिंदी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो बिंदी ना लगाओ, लगाओ तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगाओ तो भी, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन बिंदी लगाता है नहीं लगाता है, यहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं लगाती थी, अब नहीं लगाती हूँ उतना, पहले न्यू शादी थी तो लगाती थी। आखिरी क्वेश्चन है अंजलि कुमारी और शिवा खान का, दो लोग। एक ये क्वेश्चन काफ़ी लोग करते हैं कि आपकी यूट्यूब अर्निंग क्या है। तो गाइज़, मैं बता देती हूँ,
मेरी YouTube अर्निंग क्या है। तो गाइज मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसीलिए YouTube अर्निंग नहीं है, अभी कोई अर्निंग नहीं है क्योंकि मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो गाइज मैं अपने वैसे आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार, आप लोगों की दुआएं ऐसे ही बनी रहेगी तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं अपनी किसी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मैं अपने YouTube फैमिली से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है इसीलिए कोई अर्निंग नहीं है। तो ये थे कुछ लोगों के सवाल, जिनके सवाल छूट गए हों, जिनके क्वेश्चन छूट गए हों तो उनके लिए सॉरी भाई। और आप लोग ऐसे ही कमेंट करिए, किसी का अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर दूँगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमसे हमेशा जुड़े रहिए। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही गाइज, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।